हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पापा जी, आपने आज तक बहुत सारे रेडियो इंटरव्यू, टीवी इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन आज हमारे शो में आप 1-to-1 सीधा लोगों के साथ बात करेंगे जो आपके मुरीद हैं, क्योंकि कुछ लोग आपको पहली बार आमने सामने देख रहे हैं। तो जो भी मेरे दोस्त जो भी बात करना चाहते हैं वडाली ब्रदर्स से, आप लोग पूछ सकते हैं। जी, हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो सर। हेलो जी। हेलो सिद्धू सर। खाया पिया कर यार कुछ। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और जैसे कि यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि मतलब पहले से मुझे बचपन से पता था कि आप अच्छे गायक भी और मतलब पहलवान भी हो, तो मेरे मतलब बचपन से इच्छा थी कि मतलब क्यों करते हैं, मतलब भी कहीं के सीधी बात क्यों नहीं करते मतलब हर बात में मतलब बचपन से इच्छा थी, मतलब इच्छा है कुश्ती लड़ने की। कुश्ती लड़ने की? हाँ जी। ध्यान रखना मच्छर ना लड़ जाए तुम्हें कहीं। हाँ तो जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मतलब कुश्ती के कुछ दाव मतलब सीखना चाहता हूँ सर से। चलिए, बचपन में घी भी बहुत खाया, फिर भी शरीर ऐसा ही है। कुश्ती करता है? हाँ जी। अच्छा, कला जंग कैसे लगता है? किसका नहीं पता? नाम ही सुना है, कुश्ती का पता नहीं है। क्या बात। वो ना एक पहलवान था, तो वो कुश्ती करता था। बात याद आ गई। वो ना एक आदमी कहने लगा, पहलवान मैंने आपकी कुश्ती देखी थी एक। कहता कहाँ देखी थी? कहने लगा मैंने देखी लुधियाना में। हाँ। कहता मेरी कुश्ती कैसे रही? आके जी उस वक्त भी आप ना वो ढाई खा गए थे, डट गए थे। फिर दोबारा और कुश्ती देखी मैं तुम्हारी। आके कहा, कहता फिर मैं फगवाड़ा में देखी, वो कैसी रही? उस वक्त भी आप डाई खा ली थी, हार गए थे। हार गए थे। अतः फिर मैं एक कुश्ती देखी। कहाँ? जलंधर में देखी। कहता फिर वो कैसी लगी कुश्ती? उसमें भी टह गए। कहने लगा वो भी खत्म हो गए, तो अब आप ढह गए थे, हार गए थे। पहलवान को बहुत गुस्सा आया। कहता जिस जगह मैं माय गॉड, इन्हें पक्का ही काट दो ना, इन्हें पक्का ही काट दो। भाई गाल नहीं काट सकते जी। अब ये जो हम इतना हंसे हैं, हम क्या बोलेंगे लोगों को, क्यों हंसे थे हम? शुक्रिया ब्रदर। पहलवानी ना करो आप जितना हो सके रेस्ट करो, ठीक है? अरे थोड़ा धीरे हो जाओ भाग्यवान, कहाँ दौड़ी चली जा रही हो मुझे छोड़ के? अरे मैं नॉर्मल चल रही, अपने हाथों का बोलो पैरों से थोड़ी तालमेल बना ले। अरे बस। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पापा ये पीछे मोहल्ले में रहते हैं हमारे अंकल आंटी, ये ऐसे ही आ जाते हैं कभी कभी भी। अच्छा जी। हाँ, बरसात में जैसे मेंढक नहीं निकलते, वाह वाह वाह, ये निकल आते हैं। चलो हो गई नमस्ते, जाओ आंटी। क्यों जाए, अभी तो आए हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये सारंगी मेरी बीवी और मैं मुरली। क्या है कि हर साल हमारी जो वेडिंग एनिवर्सरी होती है, उसमें हम किसी सिंगिंग ग्रुप का ऐसे बुक करते हैं। आपको पता पापा जी, ये पिछली एनिवर्सरी पे ना अनूप जलोटा नहीं जो, उनको बुक करने गए थे। फिर जब इन्होंने पेमेंट बताई ना, तो अनूप जलोटा जी ने लोटा मारा इनके मुंह पे, इनके मुंह पे कटोरी बनी हुई थी। कमाल की बात कर दी है। नहीं भाई, अनूप जलोटा के पास गए तो लोटा मारा। दलेर मेहंदी के पास जाते तो वो मेहंदी मारते। मीका सिंह के पास जाते, वो क्या सिंह मारते हम। भूल गए, निक्का के पास गए थे, उसने ऐसे ठुड्डी पे ऐसे घुटना मारा था। 6 दिन तक ये जबड़ा लॉक था, भूल गए। अरे सब याद है, सबके सामने बताना जरूरी है क्या? भूल गया। देखिए सर, वडाली ब्रदर्स जी, आप लोग साथ में गाते हैं, तो आप जब गाते हैं तो ऐसे आधा आधा गाते हैं, तो जब पैसे भी लेते हैं तो ऐसे नोट फाड़ के आधा आधा ले लेते हैं। वाह, क्या वाहियात बात की आपने। तो आप जैसे मान लो हमें मुक्का मारना हो, तो आपके अकेले के मारे के आधे आधे लेंगे आप भी? अरे मतलब कैसा सांगीतिक माहौल था, मारने की बात कर रहा है। ये क्या कोई तरीका होता है? कोई बहुत गलत बात है यार, इनकी आवाज सुन के ही तो मैं इनका दीवाना हुआ था। अच्छा इतना अच्छा गाती है? नहीं नहीं नहीं, ये चिल्ला रही थी बजाओ बजाओ बजाओ, मैंने सुना और मैंने कहा कि ओहो आज से मैं इसका फैन। ये गटर में गिर गई थी तो मैं ऐसे बजाओ, ऐसे वेरिएशन दो तीन वेरिएशन ऐसे बजाओ, तो देखा तो 200-300 लोग इकट्ठे हो गए। नहीं ऐसे बता के कुछ नहीं होगा, सुनाना पड़ेगा कैसे बजाओ बजाओ कर रही थी। जी 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 हम भी सुनना चाहेंगे। मैं सुनाती हूँ लेकिन सिचुएशन होनी चाहिए भाई, गटर में तो गिर गए। ये लो भाई गटर में गिर गया। हाँ ये बात, मेरे पति को बचाओ पति को बचाओ। पांच लोग आए लेकिन उनके बस का था नहीं मुझे गटर से बाहर निकालना। फिर मैंने इनसे कहा कि भाई कुछ ज्यादा वजनदार गाओ जिससे ज्यादा लोग इकट्ठा हो, तो फिर इन्होंने एक अलग गाना गाया। हाँ मैंने फिर आवाज में थोड़ा सा वजन डाल दिया और कुछ नहीं। हाँ? और मैं ऐसे चिल्लाई जी बचाओ ओ ओ ओ ओ ओ बचाओ ओ ओ ओ ओ ओ ठेकरे लाओ ठेकरे निकालो ओ ओ बचाओ ओ ओ ओ ओ ओ बचाओ ओ ओ ओ ओ भाई। ऐसा करने में 200-250 लोग आम हो गए लेकिन फिर भी वो लोग मुझे बचा नहीं रहे थे, पता नहीं लगता सिर्फ गाना सुनने आए थे। मैंने कहा कि भाई कोई ऐसा आइटम सॉन्ग गाओ जिससे ये सारे के सारे लोग मुझे बाहर निकालने पर मजबूर हो जाए। फिर जी मैंने एक आखिरी कोशिश की कि बेचारा गटर से निकल आए और मैंने सुर लगाया पिया को कोई बचा लो वडाली ब्रदर बैठे हैं मेरे बाबा कर रहे हो, उनका बोलो जरा कोई दो। अगर आप हमारे लिए कुछ अगर गुनगुना दें, एनिवर्सरी है ना। नहीं उसके पैसे लगेंगे ना, पैसे ये देंगे पैसे। लखविंदर भाई कभी आपने जी फिल्मी गाना नहीं गाया? कभी कभी गाते हैं, कभी कभी गाते हैं शौक से। आज हो जाए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। क्या बात है, जिस तरीके से कह रहे चलिया चलिया, मुझे लगता है उसको मंगा के मानते थोड़ी देर और गाते। क्या बात है, बहुत बढ़िया से। भाई वाह, टंके की चोट ते कहता नवजोत सिंह सिद्धू इदू वधिया शो नहीं होया कोई आज। मन गई हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम अभी पक्का है हमारा, प्रोग्राम हो गया। वही अब ये मत कहना कि मैंने तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया। अरे हो गया क्या मतलब? आपको अब ये तो आपके वहाँ जाने वाले थे ना। अब वो इतनी औकात कहाँ हमारी, इनका बुलाए थे ऐसे थोड़ी ना हमारे पास। मैंने ऐसे प्रॉमिस किया था कि ये आपको यहाँ पर गाना सुनाएंगे और आप लोगों ने सुना दिया, हमारा हो गया, उसके आगे हम नहीं कर सकते कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलो चलो जल्दी, ऐसे पड़ोसी रखे हुए भाजी आपने। चेंज चेंज डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब चेंज। यस प्लीज। क्या बेच रहे हो आप इधर? मैं मेरे पेशेंट हैं, मैं इनमें संगीत बांट रहा हूँ। चलो भाई चेंज। ओ डॉक्टर साहब अपनी जुएं बांटो, आपका भी सर हल्का होगा थोड़ा। क्या बकवास कर रहे हो आप यार? एक मिनट भाई रुको। क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर शर्मा मेरे शागिर्दों के सामने बकवास की ना तो मैंने ग्लूकोज की बोतल फेंक के मारने तुम्हारे मुंह पे, समझ आए तुमको? डॉक्टर साहब हैं, अपने अस्पताल में तो कुत्ता भी शेर होता है। इधर देखो कौन आया, इधर देखो ऐसे लोग आए, देखो उधर। तो फिर ऐसे कौन दिखाता है यार? ये कोई तरीका? चलो कोई बात। अरे वाह, वडाली ब्रदर्स, हेलो, नाइस मीटिंग यू, वेरी नाइस वेरी नाइस। हेलो लुकविंदर जी। हेलो जी। वाह व्हाट अ म्यूजिकल डे, वेरी नाइस। मैं वहाँ पे कप्पू म्यूजिक की टूटी खोल के बैठा, यहाँ तो म्यूजिक का दरिया है वहाँ पूरा। और चलो आशीर्वाद लो, जल्दी आओ इधर, आशीर्वाद लो, जल्दी करो जल्दी करो, बाद में देना नहीं, आशीर्वाद लो। चलो चलो इधर भी लो, आशीर्वाद लो। अच्छा वो बेड नंबर 3 है ना, उसके पिल्लो के नीचे 100 रुपये रख देना, जाओ। एक मिनट, 100 रुपये किस बात के डॉक्टर साहब? आप तो कह रहे थे आप अपनी कला बांट रहे हैं। नहीं, कला तो मेरी है, मैं बांट सकता, पर आशीर्वाद तो इनका ना, उसका तो चार्ज लगेगा ना। आई एम डॉक्टर मिश्रा गुलाटी, आई एम BSSP। BSSP क्या होता है? बचपन से संगीत प्रेमी। इतना नहीं पता यार क्या तुम? मेहदी हसन साहब है ना, वो पहले मुझे अपना मेहदी देने वाले थे, बट फिर क्या हुआ, यहाँ से पाकिस्तान पड़ता है दूर, हाँ। तो पंजाब पड़ता है पास, उन्हें दिलेर मेहदी को दे दिया अपना मेहंदी। बट मैंने भी ये जो उस्ताद हमारे हैं नली चौचल जी, उनसे मैंने सीखा हुआ है म्यूजिक। दिख रही है आपकी तालीम। ये क्या कान पे हाथ लगाते हैं आप, नाक पे लगा रहे हो? नहीं, उनमें से बदबू बड़ी आती है ना, तो नाक पे हाथ लगाते हैं हम। बट म्यूजिक तो उनका साइड बिजनेस है, साइड का काम है। बेटे मेन काम जो, भैंसों की हाइजीन मेंटेन करते हैं। सीधा कहो ना, गोबर उठाते थे। मैं नहीं कह सकता ना, मेरे उस्ताद जी, मैं बेइज्जती करता, अच्छा नहीं लगता। बट उन्होंने ना मुझे एज ए संगीत की ट्रेनिंग में रसगुल्लों की दुकान पे भी थोड़ा टाइम काउंटर पे बिठा के रखा है। रसगुल्ले का म्यूजिक से क्या लेना देना मतलब? है, म्यूजिक में भी रस होता है, रसगुल्ले में भी रस होता है। मैं समझ गया हूँ, तुम नहीं समझोगे, ये म्यूजिकल लोग ही समझते हैं यार इस बात को। ऐसे तो मौसमी में भी रस होता है, मौसमी में जूस होता है यार। जस्ट करी होता है, जूस और रस तो सेम सेम हो गए। हाँ नहीं, सेम सेम तो बच्चे जब नंगे होते हैं उनको कहते हैं सेम सेम, वो कैसे हो गया यार? उनमें को गल कर सकते? हाँ जी करो 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 जी पापा जी। एक बात याद आ गई। हाँ भाई हमारे हमारे गांव में ऐसे डॉक्टर हकीम थे। हमारे गांव में बैठे तो दोनों चाय पी रहे थे, जैसे हम चाय तुम्हारे पास पी रहे हैं, ऐसे वो भी चाय पी रहे थे। दोनों पी रहे थे, एक देखा थे एक आदमी वो खत्म हो गया, मर गया, तो उसको लेके जा रहे हैं शमशान घाट में। ओहो, तो दोनों चाय पी रहे, वो डॉक्टर दोनों पी रहे। कहता है दूसरे को, पूछता इसको दवाई तूने दी है? कहता नहीं। वो पूछता है आपने दी होगी दवाई? कहता नहीं मैंने भी नहीं दी। कहने लगा ना आपने दवाई दी ना मैंने दी, तो मर कैसे गया? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.